कानपुर महानगर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले दो परिवार शाम को कूड़ा फेंकने के चलते आपस में लड़ गए। इसके बाद दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे, जहां थाने पर दोनों ही पक्षों का समझौता हो गया था। समझौते के बाद जैसे ही दोनों पक्ष अपने घर वापस आए, वैसे ही फिर से विवाद शुरू हो गया, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई और एक घर को आग लगा दी गई। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति पूरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो परिवारों में एक परिवार मुस्लिम है और दूसरा हिंदू। वहीं मुस्लिम परिवार का इस पूरे मामले में कहना कि हिंदू परिवार ने घर के बाहर कूड़ा फेंका, वहीं जब उन्होंने मना किया तो हिंदू परिवार मारपीट कर उतर आया। वहीं मुस्लिम परिवार की रुखसाना ने बताया कि हिंदू परिवार के लोगों ने हमें और मेरी माँ को लोहे की रॉड से मारा, जिसके बाद हम थाने पहुँचे और वहाँ समझौता हो गया। समझौता करके जैसे ही वापस घर लौटे, वैसे ही इन लोगों ने फिर से गाली देना शुरू कर दी और कुछ लोगों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी और फिर घर में आग लगा दी। वहीं उन्होंने बताया कि हिंदू परिवार में रहने वाले हरीश चंद्र और उत्तम लोगों ने उनसे मारपीट करी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू परिवार का कहना है कि एक छोटे से बच्चे से कागज का एक टुकड़ा उनके घर की तरफ चला गया था, जिसके बाद मुस्लिम परिवार ने बच्चे का गला दबा दिया, वहीं से मामला बिगड़ गया। हिंदू परिवार की महिला सोनम का कहना था कि अपने आप को बचाने के लिए मुस्लिम परिवार ने खुद ही अपने घर पर आग लगा ली थी। रिपोर्ट आईपीएन।